फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सभी गेस्ट जो यहाँ पे आए हुए हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ जिनने कि अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए आए हैं। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो नईम सर से है कि अगर हमें मतलब केएस करना होगा तो हमें ग्रेजुएशन के बाद किस फील्ड में जाना है। पहले आपने मतलब सबकी डिटेल में बता दिया है लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद हमें क्या करना चाहिए, मतलब कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, तो मतलब किस फील्ड में जाना चाहिए, मतलब कौन से सब्जेक्ट्स वगैरह पकड़ने चाहिए, तो मैं वो कहना चाहती हूँ। आपका सेमेस्टर कौन सा ईयर है आपका? थर्ड सेम सेकेंड ईयर। आपके लिए राइट टाइम है इस टाइम। राइट टाइम क्यों है? आप भूल जाइए सब कुछ, आप भूल जाइए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। आप सिलेबस आज ही डाउनलोड कर लीजिए यूपीएससी का, आप आज ही केएएस का सिलेबस डाउनलोड कीजिए और मेरा मेरी तरफ से एश्योर्ड रहिए आप। एश्योरेंस ये है कि आप आज अगले एक साल तक एक दिन के सिर्फ 4 घंटे दे दो आप यूपी इसके लिए 4 आवर्स। लेकिन 4 आवर्स क्या होंगे कि आप अपनी घड़ी उठाएंगे, आप जिस टाइम स्टडीज के लिए बैठेंगे आप साथ में क्लॉक पे सेट करेंगे भाई मैं 1 बजे इस पढ़ाई के लिए बैठी, तो आप खुद देखो कि आपने 4 घंटे मान लीजिए घंटे घंटे के बाद दिया, आपने यहां वहां अब आपने अपने अपना गोल बना लिया है, आपने सिलेबस डाउनलोड करना है। मैं डॉक्टर साहब जमशेद भाई हम आपके साथ इंटरेक्ट करवाएंगे कभी, आपको बुक्स बताएंगे और बेसिक बुक्स मैंने आपको बताई वो आपकी NCERT की टेक्स्ट बुक है, नथिंग लाइक दैट। उन बुक्स को आपने जिस तरह हमारे ACP साहब ने कहा ना कि घोटा लगाना है, घोटा लगाना भी एक आर्ट है। देखिए सबसे टफेस्ट स्टडीज जो है ना वो मेडिकल साइंसेज की है, सबसे टफेस्ट स्टडीज सबसे टफेस्ट जो है वो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, उनसे कभी पूछो। मैंने अपने एक कलीग से पूछा कि भैया आप ये बुक याद कैसे करते हो, कहा देखो हमें पता है ये बुक पढ़नी है, हम पहले दिन मान लीजिए टॉपिक का पहला पेज पढ़ा, नेक्स्ट डे पहला पेज रिवाइज करेंगे और एडिशनल दूसरा पेज पढ़ेंगे, उसके नेक्स्ट डे पहले 2 पेजेस रिवाइज करेंगे फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। कहा हमारी प्रोग्रेस स्लो होती है, ग्रेजुअल होती है, लेकिन एट द एंड ऑफ ईयर हमें वो पूरी बुक याद होती है। इस तरह टेक्स्ट बुक पकड़ो, उसका पहला पेज पकड़ो और देखो बार बार एक चीज अपने आप से आप मानिए। ग्रेजुएशन में भी अगर स्कोर करना चाहते हैं, एक टॉपिक है आपको पता है यार इसमें 20 मार्क्स का आना है, 20 मार्क्स इज इक्वल टू 200 वर्ड्स, 20 मार्क्स इज इक्वल टू 20 लाइन्स। जो आपके चेक करने वाले टीचर्स हैं उन्होंने भी एक स्टैंडर्ड से आपको डिफरेंट डिवीजन ऑफ मार्क्स दी है, उसमें आपने डिवीजन बनाई भाई 200 वर्ड्स लिखने हैं। अब आपने प्रेसी राइटिंग करनी है जो आपको हमारे प्रोफेसर इंग्लिश में बताएंगे कि आपने क्वालिटेटिव लिखना है, क्वांटिटेटिव नहीं। फॉर एग्जांपल आपको पूछते हैं बताइए जी फलाने ये कौन से इसके हैं, स्ट्रीम के हैं, आर्ट्स के हैं। मान लीजिए आपको पूछा जाता है भाई प्लेटो के आप क्रिटिक्स कीजिए, आप जी बताइए कि इसमें इसका क्रिटिकली एनालाइज कीजिए। अब आप पहले प्लेटो बताएंगे भाई वो फलां जगह पैदा हुआ था, उसके बाद उसने फलां से क्वालिफिकेशन, भाई आपको पूछा ही नहीं है, इसका मतलब आपको पता अपने इस आंसर का नहीं है, इसीलिए यू आर बीटिंग राउंड द बुश। सारा कुछ लिख देंगे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, बाद में बाहर तोलता है इंसान, हाँ भाई मैंने तो 4 शीटें भरी, वो प्रोफेसर क्या पागल था उसने मार्क्स ही नहीं दिए। अरे भाई बेवकूफ आप हो, आपको क्रिटिकली एनालाइज कह रहे इट मीन्स आपने उसके क्रिटिक्स ही लिखने हैं। हाँ कंक्लूड कीजिए उन्हें पॉजिटिव एंड, आप क्रिटिकली एनालाइज कीजिए हाँ इसके थॉट में ये कमी थी, हाउएवर इसने एक लाइन में कंक्लूड कीजिए। तो गो फॉर क्वालिटेटिव राइटिंग, राइटिंग हैबिट्स बनानी है उसके लिए खुद से दोबारा लिखना शुरू कीजिए और आज आपका सबसे राइट टाइम है। अगर मुझे इंजीनियरिंग के टाइम में कोई बोलता मैं लास्ट के 1 ईयर में ही शुरू हो जाता, आपको मैं बता रहा हूँ टेक्स्ट बुक लाइए, जब टेक्स्ट बुक सारी हो जाएंगे आप अपने कंसर्न फैकल्टी को बताएंगे, मैं आपको एडिशनल बुक्स बताऊंगा, आई विल शेयर यू द लिस्ट ऑफ बुक्स जो आपने उसके बाद पढ़ना शुरू करना है। बेसिक बुक्स, गो फॉर बेसिक बुक्स। थैंक यू।